अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। करो, बैठो। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। जब मैं भी स्पोर्ट्स खेलती थी ना, तो मुझे भी चोट लगती थी, हाथ पे, पैर पे, एल्बो पे, पर मैं नहीं रोती थी। पूछो क्यों? क्योंकि पापा कहते थे कि जो इंजरीज होती है ना, वो तो हमारी मेहनत और कोशिश का रिवॉर्ड होती है। और अगर हम कभी भी कोई नई चीज ट्राई करते हैं, तो चोट वोट लगना तो नॉर्मल बात है। हम इससे क्यों डरे? बताओ, तुम ही बताओ क्यों डरे। अब पता है, जब मैं छोटी थी ना, तो पापा ने मुझे एक और एक बात सिखाई थी। पूछो क्या? क्या? चलो साथ में बोलेंगे, ओके? हाँ। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। वेट। नौका क्या होती है? नौका मतलब बोट, बुद्धू। चलो फिर से करते हैं। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये वेरी गुड। अभी कभी चोट लगे ना, तो बच्चों जैसे रोना मत, ठीक है? भी ठीक हो जाएगा। अरे खट्टर जी। जी सर। ये बच्चा किसका है? ये इस घर के ओनर का बच्चा है सर जी। बहुत प्यारा बच्चा है। बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। मीरा। हाँ? देख रही हो हमारी गुनगुन को? कैसे उस बच्चे का ध्यान रख रही है? अच्छा लगा देखकर कि गुनगुन किसी बच्चे का ख्याल रख रही है। वैसे ये पॉजिटिव बदलाव गुनगुन में आया कब से? तुम्हारी अपब्रिंगिंग की वजह से, और क्या? सो तो है। मेरे ख्याल से घर ही इतना पॉजिटिव है ना कि क्या ही बताएं। कुछ तो बात है इस घर में। खट्टर जी। जी सर जी। हमें ये घर बहुत पसंद है। ओए होए होए। हाँ? मतलब फीलिंग्स आ गई तुम्हें? अरे इस जगह में वो मकान वाली नहीं, घर वाली फीलिंग्स है। ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे जैसे मेरा ही घर है। यहाँ पर बहुत अपनापन है। ऐसा लग रहा है जैसे ये घर हमारा इंतजार कर रहा था और हम इसे ही ढूंढ रहे थे। सर क्या हिला रहे हो? डन कर दो ना इसे। अरे डन डना डन सर जी। मैं घर के ओनर को भी फोन कर देता हूँ। युग सर और उनकी वाइफ आती ही होंगी, बस फिर क्या, डील पक्की करवा देंगे। ये मेरा फोन कहाँ गया भाई? अरे मेरा फोन कहाँ गया भाई? चिल्ला तो ऐसे रहे जैसे चार लोगों के साथ आए थे। मैं मंदिर देख कर आती जरा। हेलो
मोहन भैया घर पसंद आया कि नहीं? अब सुनिए, इसे ना आप सामने वाले घर में ले जाइए। ओके। अरे घर बहुत पसंद आया है। ये वैसा ही घर है जैसा कि हम ढूंढ रहे थे। और ये घर तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। अरे सर जी उनको ये घर बहुत पसंद आया, आप तो आ जाइए। हेलो। अरे सॉरी सॉरी सर जी। क्या सॉरी? डील कैंसिल कर दूं? हेलो हेलो। अरे नहीं सर जी, नहीं ऐसा मत कीजिए सर जी। अरे जस्ट जोकिंग यार। हेलो। कर क्या रहे हो आप? हेलो। पहले ये घूम गया था, दूसरा भी पैकअप करवा दोगे? लगता है साढ़ी साथ ही चल रहा है, जाओ डील करवाओ। क्या वो आवाज? अगर इस एयरपोर्ट में कॉल कनेक्ट हुआ है, उसका मतलब जिस किसी का भी एयरपोर्ट है वो आसपास ही है। कहिए उनकी आवाज तो नहीं? एक काम करते, हम खुद ही जाकर देख लेते। मनन, ऐसे कौन चलते देख कर चलना चाहिए ना, अगर आप ऐसे लोग। मनन, ये चोट कैसे लगी आपको? कैसे लगी बताओ मामा को? साइकिल से गिर गया था। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे मनन कि जब भी साइकिल चलो तो संभल कर चलो, देख कितनी चोट लगी। मम्मा डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस इतनी सी चोट है। उस दीदी ने पट्टी भी कर दी। कौन सी दीदी ने? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।